सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर अपराधी से मुक्तिधाम सरकंडा के पास ही नाले पर आईपैड पेन समेत ही अन्य सामान जब्त कर लिया गया। वही सामान की कुल कीमत 1,90,000 बताई जा रही है। बता दें कि बिलासा ब्लड के बैंक सिम्स के साथ ही आने वाली कार पर खड़ा करके ही अपराधी ब्लड बैंक के अंदर चला गया है और पर चोर ने कार में रखे बैग और पैसे की चोरी कर ली थी। वही अपराधी ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना सिटी कोतवाली ने अपराध दर्ज कर ही विवेचना कर अपराधी को पकड़ लिया है। रिंग रोड नंबर 2 के संचालक डॉक्टर सोमेंद्र सिंह ठाकुर परसों थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि किसी अज्ञात चोर के द्वारा उनकी कार में रखे हुए 85,000 रुपये एवं आईपैड और उसका पेन जो साथ में था और अन्य पानी बॉटल वगैरह जो साथ में रखा हुआ था कि कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। और उनके द्वारा बताया गया कि वो बिलासा ब्लड बैंक सिम्स के सामने आए हुए थे, जहाँ पर वो 4:30 से 5:30 बजे तक बिलासा ब्लड बैंक में थे। 5:30 बजे जब वापस आकर देखे तो कोई अज्ञात चोर उनकी बैग को चोरी करके ले गया था। फुटेज वगैरह खंगाले हम लोग काफ़ी मेहनत किए, मेहनत के बाद पता चला कि एक संदेही व्यक्ति उनकी कार के आसपास दिख रहा था, जिसके बारे में तस्दीक किए तो वो असलम खान मौका का रहने वाला जानकारी प्राप्त हुई, जिससे पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और उसके कब्जे से वर्तमान में लगभग 52,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक आईपैड और उसका पेन, एक पानी बॉटल बरामद हुई है। बैग को उसने सरकंडा मुक्ति धाम के पास स्थित एक नाले में फेंका था, जो चैन खोल के फेंका था, जिससे कि कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ भी मिला, उसमें भी कुछ रुपए रखे थे जो पानी में बहना बता रहा है। शाहपुरा